नमस्कार। आज जो हम अभी गेम देखने वाले हैं वो ग्रैंड चेस टूर का जो फाइनल्स हो रहा है अभी, मैक्सिम वैचेलग्रैव और कार्लसन और दो प्लेयर हैं उसमें, लेकिन हम एमवीएल और कार्लसन का गेम देखने वाले हैं। सो सेकंड गेम है ये, फर्स्ट गेम मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया था, तो सेकंड गेम देख रहे हैं अभी हम। क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। इस गेम में जो स्टार्ट हुई वो e4, e5, Ne2f3, Nc6, Bb5, a6, Bf4, रॉयल लोपेज जो मेन लाइन है वो स्टार्ट हुआ। Nf6, शॉर्ट कैसल, Ne2e4, ये एक्चुअली एक साइड वेरिएशन है जिसको कि आप ओपन रॉयल लोपेज के नाम से याद रख सकते हैं। और इसमें d4, Bb7, ये एक्चुअली मैग्नस ने खेला, जो कि एक रेयर वेरिएशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली Bb7 की जगह जो मेन लाइन है वो b5 है। b5, Bb2 b3, d5, ये एक बहुत पॉपुलर चॉइस है ओपन रॉयल लोपेज में। d e5, Bb6, Nb2, यहाँ पे नॉर्मली ये खेलते हैं। और व्हाइट के पास और एक अच्छा ऑप्शन है खेलने के लिए, दैट इज टू प्ले Bb3। Bb3 की जगह आप Nb2 जो है उसमें जो बहुत सारे जिसमें फोर्स्ड कुछ सीक्वेंसेस में ड्रॉ हुए हैं वो मैं आपको एक गेम दिखा देता हूँ क्विकली। Nc5, c3, Bb2 e7, Bc2 d4, ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कंटिन्यूएशन है। Nb3 d3, Nd2 c5, Dc2, Qd8, Rd8, Ne6, Fe6, Bb3, और फाइनली आप देख सकते हैं आफ्टर आफ्टर Rd5 के बाद अगर आप Rf7 खेलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉ हो चुके हैं और बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, इसमें आप चेक करेंगे तो। Nd2 e5, Re5 के बाद आप Rc2 मार सकते हैं या Bd4 खेल सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल है और दोनों में शायद इक्वलिटी मिल जाती है ब्लैक को आराम से। लेकिन मैग्नस ने Bb7 खेला, डेफिनेटली उसको जो मेन लाइन थी उसमें नहीं जाना था, बिकॉज उसमें बहुत सारा प्रिपरेशन रहता है। Bb7 ज़्यादातर लोग गेस नहीं करते हैं कि ये होने वाला है आज। Re1 खेला, यहाँ पे Re1 की जगह Qe2 b5, ये भी एक हो सकता था, बट Re1 खेला वाइट ने। b5 यहाँ पर जो जो मेरे पास जो मैं ओपनिंग बुक यूज़ करता हूँ नॉर्मली, उनमें जो दिखाया था वो f5 एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिखाया था b5 की जगह। f5 आप एक्चुअली खेल सकते हैं ब्लैक से। d e5, कैसल, Bb3, King h8, Nc3, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है एक्चुअली व्हाइट की तरफ से। Nc3, Bc3, Qe8, डेफिनेटली ब्लैक जो है वो शिफ्ट कर रहा है क्वीन को किंग साइड में। Bd5, और ये एक पोजीशन एक्चुअली आ सकती थी। मैंने इसमें गेम्स नहीं चेक किए थे कि कितने गेम्स अवेलेबल है, पर ओपनिंग बुक सजेस्ट कर रहा था कि f5 इज ऑल्सो प्लेबल। बट गेम में b5 खेला, Re4, d5, Ne5, ये एक आप देख सकते हैं टैक्टिकली एक्चुअली वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कि इस पोजीशन में वैसे Ne5 मारा ब्लैक ने, मैग्नस ने यहाँ पे, लेकिन अगर De4 मारा रहता तो Nc6, Qd6, Ne7, Ba4 को Nc8 आ रहा है, जिसमें आपके पास रुक के बदले दो माइनर पीस है, विच इज नॉर्मली गुड। सो और दूसरी बात, अगर Be4 की केस में Qe7 खेला रहता Be4 की जगह, तो Bb3 आ रहा था और फिर से आपके पास दो माइनर पीस है अगेंस्ट अ रुक। सो इसीलिए वो टैक्टिकली वर्क कर रहा है। Nc5 मारा ब्लैक ने यहाँ पे, Re5, Bb4, b3। b3 को आप देख सकते हैं, जो जो आइडिया है दैट इज टू प्ले मे बी Bb3, और कुछ कंडीशंस में आप जब कैसल करेंगे तो मैं Re7 भी मार सकता हूँ फॉलोड बाय Bb3। b3 की जगह यहाँ पे एक्चुअली Nc3 खेला था, जो मैंने फर्स्ट गेम चेक किया था। मतलब मैंने बहुत सारे गेम्स चेक किए थे इसमें कि क्या क्या पहले हो चुका है इस पर्टिकुलर लाइन पे। गेम्स अगर आपको चेक करने हैं तो आपके पास बहुत अच्छे सोर्सेस हैं, जैसे कि एक ट्विक बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छी साइट आती है द वीक इन चेस नाम से, वो ट्विक नाम से आप सभी जानते हैं, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसमें हर वीक बहुत सारे गेम्स अपलोड होते हैं, वो आप देख सकते हैं। या फिर मेगा डेटाबेस और भी डेटाबेसेस हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। Nc3 एक्चुअली खेला था लास्कर वाले गेम में, लास्कर ताराज जो हुआ था 1916 में हुआ था ये बर्लिन में। Bb6, Qe5, g6, Qf3, Bf6, Rd5। Rd5 के बाद Bb2 d5 मारा, Nc2 d5, Bg7, Bg5, Qkg5, Nc2 c7, और ये ऑलरेडी फिनिश हो चुका है क्योंकि King d8 को Nc8 मारा
और यहाँ पे ताराश ने रिजाइन कर दिया था। बट गेम में नाइट सी थ्री की जगह आफ्टर बिशप ए फोर बी थ्री खेला और बी थ्री को यहाँ पे कैंसिल किया। यहाँ पे आप एक्चुअली जो एक और गेम मैंने चेक किया था वो बिशप ई सिक्स खेला था यहाँ पे, जिसमें बिशप ए थ्री मार के नाइट इंटू ए थ्री हुआ था और आइडिया वही थी सेम। मुझे लगता है शायद इवान सैरिक का गेम होता है जो कि बाद में ड्रॉ हुआ था। सो कैंसिल किया यहाँ पे, बिशप ए थ्री खेला। यहाँ पे एक्चुअली एक बहुत अच्छा मूव था और एक कंटिन्यूएशन था जो रुक इंटू ई सेवन आ रहा है, लेकिन इसमें क्वीन इंटू ई सेवन बी ए थ्री को क्वीन जी फाइव आ रहा है, और जैसे ही आप इसको बिशप इंटू एफ एट मारेंगे तो बिशप एच थ्री आ रहा है इसमें, और आप देख सकते हैं ना क्वीन एफ वन इज फोर्स्ड, रुक एफ एट, और ये पोजिशन ब्लैक को ठीक लग रही है मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे बिशप ए थ्री खेला व्हाइट ने, एम बी एल ने, जो कि एक्चुअली आप अगर डेटाबेस चेक करेंगे तो मेगा डेटाबेस में एक मेहल मरीन के नाम से एक एनालिसिस किया हुआ गेम अवेलेबल है, जहाँ जो कि नोवल्टी मोरोजोविच ने खेली थी। ये बिशप ए थ्री, बिशप ए थ्री खेला, बिशप इंटू ए थ्री, नाइट इंटू ए थ्री, रुक ई एट। यहाँ पे एक्चुअली क्वीन डी सिक्स वगैरह भी जा सकते हैं, लेकिन रुक ई एट खेला, रुक इंटू ई एट, क्वीन इंटू ई एट। वहाँ पे 13th मूव पे एक्चुअली जो रुक ई एट मूव खेला, वहाँ पे मोरोजोविच के गेम में क्वीन डी सिक्स हुआ था, ओपोनेंट ने राजाबो ने क्वीन डी सिक्स खेला था, नाइट बी वन एफ सिक्स, और ये गेम हुआ था जो कि बाद में ड्रॉ हो गया। लेकिन इस गेम में रुक ई एट खेला ब्लैक ने, रुक इंटू ई एट, क्वीन इंटू ई एट, क्वीन डी टू। अब ये जो पोजीशन है आप देख सकते हैं इसमें कि आफ्टर बिशप एफ फाइव, रुक ई वन, क्वीन टू सी सिक्स, सी फोर, ए कट बी थ्री, ए कट बी थ्री, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मुझे लगता है एक बार अगर ये नाइट जो ए थ्री का जो नाइट है उसने अगर गेम में कॉन्ट्रीब्यूट कर लिया तो ये पोजिशन ठीक ठाक रहेंगी, क्योंकि जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वो क्वीन साइड में आ सकते हैं, किंग साइड तो एकदम सेफ है दोनों साइड का। एच सिक्स खेला, बैक रैंक हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप एंडिंग्स में जाते हैं, तो सी कट डी फाइव, क्वीन कट डी फाइव, नाइट सी फोर, बिशप ई सिक्स। यहाँ पर जो डी पॉन है इसको अगर हम पुश कर पाए इस कंडीशन में, स्पेशली डी फाइव भी अगर हम ला पाए तो बड़ी बात होंगी वाइट के लिए। सो रुक ई फाइव खेला, क्वीन डी सेवन एंड डी फाइव। यहाँ पे जैसे ही डी फाइव आया एक प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि रुक डी एट आ रहा है, एंड आफ्टर दिस आई थिंक एक बात क्लियर थी कि ज़्यादातर अभी फॉर्मेलिटी रह गई है, ये गेम ड्रॉ ही होने वाला है, क्योंकि आफ्टर डी कट ई सिक्स, क्वीन कट डी टू, नाइट कट डी टू, रुक कट डी टू, जी थ्री, इट वॉज फोर्स्ड, अदरवाइज आप एक्चुअली आप देखा जाए तो एफ इन ई इंटू एफ सेवन मार सकते हैं जिसमें किंग आ रहा है, पर उसमें किंग इंप्रूव हो रहा है इसीलिए शायद जी थ्री खेला, बिकॉज एफ इंटू ई सिक्स अभी फोर्स्ड है, रुक ई सिक्स, रुक ए टू, रुक सी सिक्स, आपको ए थ्री जाके, रुक ए थ्री जाके आप बी थ्री पे अटैक कर सकते हैं, रुक इंटू सी सेवन मारा, रुक बी थ्री, और ये थ्री वर्सेस टू अगर नॉर्मल कंडीशन में भी देखा जाए विदाउट दिस पॉन तो भी ये ड्रॉ होनी चाहिए नॉर्मली। रुक ए सेवन खेला, रुक ए थ्री, जी फोर, जी फोर यहाँ पे बहुत एक एक ट्राई हो सकती थी कि आप जी फोर आओ, एच फोर एच फाइव फोर्स करो, किंग को इम्प्रोवाइज करो ऊपर धीरे धीरे, और फिर इस पोजीशन में थ्री वर्सेस टू में हम थोड़े से प्रेशर बना सकते हैं। सो जी फोर खेला यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमको सबको पता है कि मैगनस जो अपने एंड गेम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड गेम नॉलेज के लिए, उसने इमिडिएटली यहाँ पे एच फाइव खेल दिया, और इस पॉन स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि अगर आप मार दिया आपने जी कट एच फाइव तो ये थ्री वर्सेस वन जो है ये आराम से हैंडल हो जाएंगे, क्योंकि अभी पॉन्स जो है वो आइसोलेटेड हो गए हैं सभी। सो किंग एच सेवन खेला, किंग टू जी टू, रुक ए फाइव, एफ फोर, आप मार के भी आराम से ड्रॉ कर सकते हो रुक इन टू एच फाइव, लेकिन रुक ए थ्री खेला वाइट ने, रुक एट, ए फाइव, रुक ए सिक्स, अगेन एच फोर, सॉरी ए फोर, एफ फाइव, रुक बी थ्री, रुक इन टू ए फोर, रुक एफ फाइव। फाइनली आफ्टर रुक एफ फोर हम बोल सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे थ्री वर्सेस वन है, लेकिन पॉन स्ट्रक्चर बहुत खराब है तो इस पोजीशन में आराम से ड्रॉ होनी चाहिए। किंग एच सिक्स, एफ सिक्स टेक्स, रुक इन टू एफ सिक्स, किंग एच फाइव, एच पॉन जनरली कितना भी पुश कर लो आप, अगर एच एट पे किंग है इस जोन में, किंग है यहाँ पे, तो कोई चांस नहीं बनता है कि वो जीत जाए। एच फोर वाइट ने वैसे ही पॉन सेक्रीफाइस कर दिया, रुक बी टू, रुक एफ टू, रुक इन टू एफ टू, किंग एफ टू, किंग एच फोर। तो एक बात तो मानेंगे कि इन्होंने कोई अग्रीड ड्रॉ नहीं किया, यहाँ कोई परपेचुअल भी नहीं आया, लास्ट तक जब तक किंग किंग रहे तब तक खेले दोनों। 43 नंबर मूव पे ये ड्रॉ एक्सेप्ट किया दोनों ने, और ये सेकंड गेम था जो कंटिन्यूअसली ड्रॉ हो गया, और फर्स्ट गेम मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था आज ही, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज जो थर्ड गेम होने वाला है उसको भी मैं बहुत अच्छे से एनालाइज करके बताऊं।
और अगर आपको लगता है कि और कोई गेम है या आपको पर्टिकुलरली अगर आप किसी को अगर मेरा जो एनालिसिस का फाइल भी चाहिए तो आप मुझे मेल करो या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ लोगों को मैं फॉरवर्ड करूँगा। मिलते हैं बहुत जल्दी थर्ड गेम के लिए और कोशिश करेंगे कि उनको भी एनालाइज करें। थैंक यू, बाय।